फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिमा आर्ट एंड क्राफ्ट। आज मैं आप लोगों को कार्डबोर्ड से एक ब्यूटीफुल क्राफ्ट बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए चाहिए कार्डबोर्ड, एसएम पेन, पेट्रोलिक कलर, कटर, पेंसिल, इरेजर, ब्रश, चार्ट पेपर। सबसे पहले चारों तरफ एक बॉर्डर बनाना है। इसमें हम एक जीरा का फिगर ड्रॉ करेंगे। जीरफ का फेस हम ड्रॉ कर दिए। जीरफ का फेस हम ड्रॉ कर लिए और जीरफ का जितना भी हम पोर्शन बनाए सबको हम कट करके निकालेंगे। कट करने के लिए हम थर्मोकोल का कटर का हेल्प ले रहे हैं। इसी तरह से कट करके जितना भी पोर्शन बना हुआ है सबको निकालना होगा प्लेट की हेल्प से। इसी तरह से कट करके निकालना है चारों तरफ से। इसी तरह से कट करके निकालना है। मेरे जीरा को सेप कट के निकल गया। अब हम इसको कलर करेंगे। कलर करने के लिए हम एसएम पेंट का टच वुड को यूज करें, जो डोर को पॉलिश करने के लिए यूज करता है, और उसके साथ कुछ एक्रेलिक कलर को भी हम यूज करेंगे। एक्रेलिक कलर में येलो, रेड, ब्राउन सब कलर ले लिए। थोड़ा सा मिक्सिंग कैरी करेंगे। उसके साथ थोड़ा सा पॉलिश को भी लेंगे। ब्राउन कलर बनाए, येलो, रेड, ब्राउन सब कलर मिक्स करके। और इसके ऊपर हम इसी तरह से पूरा कंप्लीट कलर करेंगे। इसी तरह से कंप्लीट कलर आप लोगों को करना है, और थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक इसमें मिलाए ताकि ऊंट का जैसा फिनिशिंग आए, फिनिशिंग लुक आए। इसी तरह से कलर करना होगा। कलर ड्राई हो गया। अब हम चारों तरफ ब्लैक चार्ट पेपर का स्ट्रिप कट करके इसी से बॉर्डर बनाएंगे। मेरा बॉर्डर बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम पीछे तरफ से एक छोटा सा शेड लगाएंगे हैंगिंग करने के लिए। इजी मेरा कंप्लीट वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो गया वुड क्राफ्ट का। इसी तरह से पहले से भी मैं बनाकर रखे टाइगर का शेड। इसी तरह से आप लोग भी घर में वुड बोर्ड को काट के बहुत सुंदर से वॉल हैंगिंग बनाकर अपना रूम को डेकोरेट कर सकते।
आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और मेरा चैनल अनिमा आर्ट एंड क्राफ्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।